हेलो सीफेयरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभांशु एंड यू आर वाचिंग कप्तान चौहान। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि क्यू एन ए कर लेता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, बात भी नहीं किया आप लोगों से। एंड क्यू एन ए एक ऐसे सेशन है जिसमें एक तरह से बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, बिकॉज मैं आपके ही क्वेश्चंस का, जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो एक्चुअली, उसका जवाब दे सकता हूँ डायरेक्टली खुल के बोल सकता हूँ उसमें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है, दैट इज फ्रॉम दीक्षित आनंद। सर, आई हैव हर्ड दैट इंडियन सीयूसी के बाद सेकंड रैंक यूके सीयूसी का आता है, इज दैट राइट? भाई, इंडियन सीयूसी इज बेस्ट, यूके सीयूसी इज बेस्ट, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज कि इफ यू आर एन इंडियन रेसिडेंट, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको इंडिया में रहने में कोई इशू नहीं है। आपका जो एक्सपेंस है वो लो है, आपको पता है, बिकॉज आपका रहना खाना बहुत ही मिनिमम प्राइस में हो जाता है। एंड अगर आप मुंबई में या ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आप सीयूसी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हो, अपना ओरल एग्जामिनेशन दे सकते हो, देन आपके लिए कोई इशू नहीं होता। बट इन यूके यू हैव टू स्पेंड देयर, आप जितना भी तीन चार कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी कमाते हो, सभी आपकी फीस में लग जाता है। इवन कुछ लोग तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। सो दीज आर सम ऑफ द इशूज, सो दिस इज द थिंग। बाकी सीयूसी में कोई कमी नहीं है, यूके सीयूसी भी अच्छी है। तापस रंजन सेठी ने पूछा, सर मर्चेंट नेवी जीपी रेटिंग स्कोप कैसा है? भाई, मर्चेंट नेवी, यार काफ़ी बार बता चुका हूँ, मर्चेंट नेवी को आप एज अ मर्चेंट नेवी है इतना बड़ा प्राइड करके आप जो मतलब अपने आप को खराब मत करो। द थिंग इज कि इट इज़ गुड, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इट गिव्स यू अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी, बट किसी की बहकाए में, किसी की बातों में आके एकदम हाइक मत ले लो उस चीज़ में, उसी को भगवान मत समझने लगो। द अल्टीमेटली अल्टीमेट थिंग आपको क्या चाहिए इज जॉब, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, वेदर इट इज MBA, BSc और MBBS और एनी थिंग, इफ यू आर डूइंग पॉलिटेक्निक, ITI और फ्रॉम IIT और फ्रॉम IIM यू आर डूइंग MBA, आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको अल्टीमेटली जॉब चाहिए। और अगर उस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब नहीं है, देन इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू, चाहे वो किसी और के लिए कितना भी कुछ हो। अगर कोई IIM से MBA करता है और उसका 80 लाख का पैकेज मिलता है उसको, देन उसके लिए वो भगवान है। लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मेरे को भी IIM से MBA करना है और मुझे भी 80 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, तो ये सोचना गलत है। पता चला मैंने IIM से MBA किया और मेरा 2 लाख का प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, या प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। सो दिस इज नॉट द थिंग। बात करते हैं भाई जीपी रेटिंग की। जीपी रेटिंग इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप कोर्स, कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं करती है आपको, स्पॉन्सर नहीं करती है, तो आपके पास जॉब नहीं होता है। और जब आपके पास जॉब नहीं होता है तो फिर आप इधर उधर भटकते हो, यहाँ वहाँ से पूछते हो, सो ये एक इशू आ जाता है। बाकी काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है अगर जॉब नहीं मिलती है तो। सो इफ यू वॉन्ट टू गो रियली, देन गो थ्रू DNS इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वो भी स्पॉन्सरशिप के बाद। स्पॉन्सरशिप में आपके पास एक श्योरिटी हो जाती है दैट येस, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आई विल गेट द जॉब, अदरवाइज जॉब नहीं मिलती है। ब्रो, फिशिंग वेसल पे फर्स्ट प्लेसमेंट कैसे होगी? अनिल नव्या 64 ने रिप्लाई मैसेज वो किया था, कमेंट किया था ब्रो। शायद मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया है। फिशिंग वेसल पे प्लेसमेंट कौन लेना चाहेगा यार, बिकॉज इतना GRT का नहीं होता है वेसल। एंड अनदर थिंग इज कि जिन लोगों के पास पहले से फिशिंग वेसल्स हैं, जिन लोगों का अपना बिजनेस है, उन लोगों के लिए ठीक है, बट स्टार्टिंग में डोंट स्टार्ट योर करियर विद फिशिंग वेसल्स। इंडिया में तो इतना कुछ स्कोप भी नहीं है कोस्टल एरियाज में। सनी मैन ने पूछा है, सर STCW CDC के बाद कितना सी एक्सपीरियंस चाहिए थर्ड ऑफिसर की COC लेने के लिए? भाई, STCW CDC के बाद अभी कोई ऐसा DG Shipping ने कोई नोटिस तो नहीं निकाला है, बट आफ्टर डूइंग दी GP रेटिंग कोर्स 36 मंथ सी एक्सपीरियंस चाहिए फॉर दी COC। बट द रियलिटी इज कि मार्केट पहले से इतना फ्लडेड है, आप लोग ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हो? इफ़ यू आर गोइंग फॉर दी COC, देन डू दी DNS कोर्स, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एटलीस्ट। और अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो तो देन यू कैन डू BSc इन नॉटिकल साइंस। बट GP रेटिंग के बाद डोंट थिंक फॉर दी COC। आई एम नॉट सेइंग कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच सकते हो, बट रीजन वाई आई एम सेइंग दिस इज, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे मुझे पता है, बट मेरा काम है आपको रियलिटी बोलना। भाई, स्ट्रगल आपको ही करना है अगर आप जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों को जो अहमियत दे रहे हैं वो मिसगाइड हो। दिस इज द ओनली पर्पज। तो
तो प्रॉब्लम क्या है कि जितने लोग डीएनएस करके जा रहे हैं, डीएनएस में भी इतनी भीड़ हो चुकी है कि उनसे आप पूछो अगर आपके कोई कांटेक्ट में है तो, उन लोगों को एज ए थर्ड ऑफिसर कांटेक्ट नहीं मिल रहा है। कंपनीज ने इतनी ज़्यादा वेटिंग में रखा हुआ है। और आप अगर जीपी रेटिंग करने के बाद जाते हो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं इन रियल, कुछ को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने सीओसी क्लियर किया है फ्रॉम द यूके, पेइंग दी हाई फीस और उसके बाद भी दे आर सेलिंग एज ए बी, बिकॉज कंपनी नहीं ले रही है। कंपनी बोलती है अपने पास तो पहले ही बहुत सारे कैडेट्स हैं, हम आपको क्यों लें, यू आर द क्रू मेंबर एंड वर्क एज अ क्रू। सो दिस इज द इशू। अभी तो मार्केट में यही हाल है, आने वाले टाइम का पता नहीं, मार्केट और ज्यादा फ्लडेड हो रहा है। सपने देखने से सपने वहां देखने चाहिए जहां कुछ गुंजाइश हो। मिसगाइड मत हो यार, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ ऑफिसर देन चूज द राइट पाथ, डू डीएनएस कोर्स एंड आफ्टर 18 months ऑफ सी सर्विस विद द डीएलपी प्रोग्राम आप सीओसी निकालो एंड यू विल बी लाइबल फॉर दी थर्ड ऑफिसर, यू कैन सेल एज अ थर्ड ऑफिसर। बट जीपी रेटिंग के बाद आफ्टर वर्किंग फॉर 36 months आप सीओसी निकालोगे, उसके बाद कंपनी आपको ले ना ले कोई गारंटी नहीं है। आप सीओसी भी तो इसलिए निकाल रहे हो ना ताकि आपका आप हायर रैंक पे जा सको, आप अच्छी सैलरी कमा सको, आपका कॉन्ट्रैक्ट कम हो। दिस इज द थिंग। रमीज आगा, इनका भी सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा है सैयद अहमद ने, सैयद अरशद सॉरी। एसटीसीडब्ल्यू कोर्स के लिए भी स्पॉन्सरशिप मिलती है क्या? भाई एसटीसीडब्ल्यू कोर्स होता है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। पहले जितने भी एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज होते थे दैट इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद द अदर कोर्सेज, वेदर इट इज जीपी रेटिंग और डीएनएस दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और एनी अदर प्रीसी कोर्स बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, इट इज मैंडेटरी टू डू एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने सीडीसी के लिए, जीपी डीजी शिपिंग और एमएमडी ने, आई डोंट नो व्हाई, क्यों किया उन्होंने, पहले ही इतना ज्यादा घूसखोरी है इस फील्ड में और ज्यादा पता नहीं क्या क्या समझ के किया ये, तो खाली एसटीसीडब्ल्यू कर दिया है। एसटीसीडब्ल्यू करने के बाद दे आर इश्यूइंग द सीडीसी टू द कैंडिडेट, जो लोग खाली एसटीसीडब्ल्यू कर रहे हैं। नाउ द इशू इज कि एसटीसीडब्ल्यू करने के बाद जॉब कंपनीज क्यों देंगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग द कैंडिडेट्स विद रेटिंग। आप मुंबई में जाके देखो, सीमेन हॉस्टल में जाके देखो, वहां पे इतने सारे लोग एक एक दो दो तीन तीन साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, सो कंपनीज क्यों देगी। और लास्ट में उनके पास जब ऑप्शन नहीं बचता दे गो टू एजेंट, वहां पे 5-6 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई गंदा सा जहाज पकड़ा देते हैं, ठीक है, जहां पे ना खाने को कुछ मिलता है। ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों कि यू विल वर्क ऑन बोर्ड शिप, यू विल वर्क ऑन शिप एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, बट जब आप जाते हो तो यू नीड एटलीस्ट योर नेसेसिटीज, योर नेसेसिटीज वो तो एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए, खाने को टाइम पे राशन मिलना चाहिए एंड आपको एटलीस्ट इतनी सी में इतनी गर्मी में एटलीस्ट एसी रहना चाहिए एंड लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी नेसेसिटीज की चीजें होती हैं वो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन उन सी पे उन शिप्स पे कुछ नहीं मिल पाता आप लोगों को, एजेंट पता नहीं कौन से जहाज पे आपको भेज देगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं साइन ऑफ नहीं हो रहा, आपको 10 महीने सेलिंग करते हुए हो गए उसके बाद साइन ऑफ नहीं हो रहा है। सो दीज आर द इश्यूज। इसलिए डायरेक्ट अगर कंपनी के थ्रू आपका प्लेसमेंट हो जाए, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, देन डेट इज द बेस्ट एंड वही एक सिक्योर रास्ता है। अदरवाइज देर आर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, इधर उधर से लोगों के चक्कर में आके मत करो, और स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है भाई, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करने के बाद कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। एच एस तोमर ने बोला है सर एसटीसीडब्ल्यू करके आगे जाने के लिए कितने मंथ का सी सर्विस होना चाहिए, प्लीज टेल मी। भाई एसटीसीडब्ल्यू का पता नहीं है, रेटिंग के बाद 36 months है। सुनील कुमार चौहान ने पूछा है वेरी गुड वीडियो, थैंक यू भाई, थैंक यू सुनील कुमार चौहान। तापस रंजन शेट्टी ने दोबारा पूछा भाई दोस्तों का रेफरेंस लगता है क्या? भाई दोस्तों का रेफरेंस तो नहीं लगता है, बट अगर कोई ब्लड रिलेशन है आपके आपका किसी से, किसी सीनियर ऑफिसर से, लाइक योर फादर इज सेकेंड इंजीनियर और फादर इज थर्ड इंजीनियर और योर फादर इज चीफ इंजीनियर, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर और एनीथिंग लाइक दैट, देन कंपनीज में रेफरेंस आपका लग जाता है। दो पहले से ही मार्केट इतना फ्लडेड है, आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 7-8 महीने, कंपनी आपको इंगेज करके रखेगी यहाँ वहाँ, बट हाँ रेफरेंस लग जाता है, दोस्तों का नहीं बट ब्लड रिलेशन में लग जाता है। जंक यार्ड द ग्रेट वर्कर्स, सर यू आर ग्रेट, लव योर वीडियोस, थैंक
थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जंकयार्ड द ग्रेट वर्कर्स, थैंक यू। मुकेश पासवान ने पूछा है सर मैं प्रॉब्लम सर मेन प्रॉब्लम प्लेसमेंट की है, किससे प्लेसमेंट ले, कौन अच्छी कंपनी है, एजेंट है जो एससी लेकर प्लेसमेंट दे, प्लीज कुछ सजेस्ट करो आप भाई। भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाके स्ट्रगल करो वो भी इस तरीके से जहां पे आप यू आर टोटली वेस्टिंग योर क्रूशियल टाइम। सो मैं यही बोलूंगा कि आप जो भी कोर्सेज कर रहे हो आप स्पॉन्सर्ड कोर्सेज करो, आप पहले से ही देख लो कि कुछ चीजें प्लीज ध्यान में रखो, प्लीज ध्यान में रखो। द टॉप मोस्ट थिंग इज आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हो डेट शुड बी डीजी अप्रूव्ड। सेकेंड थिंग इज कि आपका जो कोर्स हो वो स्पॉन्सर्ड हो। नंबर थर्ड थिंग, आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लो, बिकॉज बाद में कोर्स करने के बाद पता चले आपको कोई मेडिकल इश्यू तो आप ज्वाइन ना कर पाए, बिकॉज इतना इतनी हैवी फीस देने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़ा दुख होगा। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मेनली आपको यही देखना है अपने मेडिकल एग्जामिनेशन में कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। एंड उसके बाद मिक्कू कुमार ने पूछा है बीएससी के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है। भाई तोलानी इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। उसके बाद शुभम मॉडल ने पूछा है सर इफ आई हैव इन सीडीसी विद ईटीओ कोर्स देन कैन आई स्टे इन सीमेन हॉस्टल इन मुंबई। थैंक यू वेरी मच सर। यस भाई यू कैन स्टे इन सीमेन हॉस्टल इफ यू आर हैविंग द सीडीसी एंड पासपोर्ट विद यू। जंकयार्ड द ग्रेट वर्कर्स बोलते हैं दिस मैन डिजर्व्स मोर सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स। थैंक यू भाई। दीपक कुमार थैंक्स ब्रो फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। दीज आर द कमेंट्स विच आई पिक्ड अप। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट्स पिक करूं तो प्लीज़ नेक्स्ट क्यू एन ए के लिए #KC आस्क KC में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।